तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पर्पस ऑफ हाइड्रोजन इन बॉयलर फीड वाटर, यानी कि बॉयलर का जो फीड वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन क्यों डोज किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। यानी कि हाइड्रोजन डोज करने का क्या क्या पर्पस होता है, यानी कि जब हम लोग हाइड्रोजन फीड वाटर में डोज करते हैं तो उसका हमें क्या इंपॉर्टेंस मिलता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम लोग एलपी डोजिंग के बारे में देखे थे और उसमें देखे थे कि एलपी डोजिंग में हम लोग हाइड्रोजन डालते थे, तो उस वीडियो में हम लोग केवल डिस्कस किए थे कि हाइड्रोजन का वहां पे जो पर्पस था वो केवल ऑक्सीजन एक्सचेंजर का काम कर रहा था, यानी कि पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी को रिमूव कर रहा था। तो पहला पर्पस तो ये था, लेकिन और क्या क्या पर्पस होता है इस हाइड्रोजन का, यानी कि जब हम लोग ये हाइड्रोजन डोज करते हैं तो और क्या क्या काम करता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि बॉयलर फीड वाटर में हाइड्रोजन डोज करने का मेन पर्पस क्या होता है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग एलपी डोजिंग के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो देखिए, ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो एलपी डोजिंग भी कहलाता है, यानी कि इस हाइड्रोजन को हम लोग वहां पे डोज करेंगे जहां पे लो प्रेशर होता है, जैसे कि हमारा डिएरेटर है। डिएरेटर में क्या होता है, लोअर प्रेशर होता है, तो हम लोग मेनली इसको डिएरेटर या बीएफपी का जो सक्शन लाइन है, यानी कि डिएरेटर से जो पानी जो सक्शन लाइन होता है उसमें हम लोग इसको जनरली डोज करते हैं। तो इस हाइड्रोजन का डोज करने का हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किए थे कि मेन पर्पस था कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो भी है फीड वाटर का उसको रिमूव करने का काम करता है। तो देखिए, ये कैसे रिमूव करता है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं N2H4, ठीक है। और जो हमारा फीड वाटर है, यानी कि जो डिएरेटर में वाटर है उसके अंदर अगर हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, तो जब हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगा तो वो क्या करता है, तो इस तरह से हमारा N2 प्लस 2 टाइम H2O का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये जो हमारा N2 यानी कि जो नाइट्रोजन है वो वेंट से वेंट आउट हो जाता है और जो ऑक्सीजन था यहाँ पे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसको हम लोग मतलब कि बॉयलर में लेके चले जाते हैं। इस तरह से हमारा ये जो हमारा नाइट्रोजन है वो रिमूव होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर लिए। तो यहाँ पे पहला पर्पस हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर का काम किया, यानी कि हमारा जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर दिए, क्योंकि ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो कोरोजन के लिए बहुत ही बड़ा कॉज है। यानी कि अगर हमारा पानी के अंदर यानी फीड वाटर के अंदर ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये आयरन के साथ ऑक्साइड हो जाता है, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन करने लगता है, जिससे हमारा क्या होगा, आयरन के अंदर हमारा कोरोजन होने लगता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग दूसरा इसका पर्पस देखते हैं कि इसका सेकंड पर्पस क्या होता है। देखिए, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है वह एक सर्टन टेम्परेचर पे वर्क करता है। तो हमारा कितना टेम्परेचर होता है, तो 89 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये क्या करता है, वर्क करता है। इससे ज्यादा अगर हम लोग टेम्परेचर कर दें या इससे कम टेम्परेचर कर दें तो ये जो हमारा रिएक्शन है वो होता नहीं है। अगर हम लोग ज्यादा टेम्परेचर कर देते हैं, यानी कि अगर हम लोग एबव 200 डिग्री सेल्सियस अगर फीड वाटर का टेम्परेचर कर दें तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है वह रिएक्शन दूसरा करने लगता है। तो क्या रिएक्शन करेगा, तो देखिए हमारा N2H4 अगर हम लोग दो टाइम N2H4 ले लें, यानी कि टू टाइम हाइड्रोजन ले लें, तो ये क्या वर्क करने लगता है, तो देखिए ये हमारा फॉर्मेशन करेगा N2, यानी कि यहां पे नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करता है और यहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, तो हमारा H2 यानी कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद यहां पे 2 टाइम NH3 यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा अमोनिया होता है ये अमाइन ग्रुप होता है, यानी कि अमाइन ग्रुप का मेन पर्पस क्या होता है, तो ये पीएच को इंक्रीज करने का काम करता है। यानी कि जहां पे भी अगर आपको पीएच बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो अमोनिया डोज कर देते हैं या हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH डोज कर देंगे, जिससे हमारा पीएच बूस्ट करता है। तो ये दोनों हमारा अमाइन ग्रुप है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हुआ, तो ये पीएच बूस्टर का काम करता है, ये बूस्टर है, यानी क्या करेगा, तो पीएच को इंक्रीज कर देगा। तो इस रिएक्शन में हमारा नाइट्रोजन का भी रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस का भी यहां पे फॉर्मेशन होता है और इस तरह से हमारा
पीएच बूस्टर का काम करता है। और ये जो हमारा हाइड्रोजन है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर फीड वाटर के अंदर हाइड्रोजन मौजूद रहे और यदि यह हमारा बॉयलर में चले जाए तो यह बॉयलर ट्यूब के अंदर क्या करेगा, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट करता है, जिसके चलते हमारा विंडो ओपनिंग होता है। तो हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप यही समझ लीजिए कि अगर यह हमारा हाइड्रोजन बॉयलर ट्यूब के अंदर चला जाए तो वहां पर यह क्या करता है, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग को इसका जो मेन जो हम लोग रखते हैं टेम्परेचर रेंज वो 89 से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि डिरेटर का जो टेम्परेचर है वो हमारा कभी भी इससे कम ही रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहां पे अगर ज्यादा हो गया तो ये पीएच बूस्टर, यानी कि अगर हमारा रेसिड्यूअल हाइड्रोजन मतलब कि रेसिड्यूअल हाइड्राजिन अगर बॉयलर के अंदर चला जाए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेसिड्यूअल हाइड्राजिन हम लोग मेंटेन करते हैं फीड वाटर में, तो कितना मेंटेन करते हैं, तो 0.02 से लेकर के 0.03 या 4 तक मेंटेन करते हैं, यही मेंटेन करते हैं ना, इतना हम लोग हाइड्राजिन मेंटेन करते हैं। और ये जो रेसिड्यूअल हाइड्राजिन है वो ये पर्पस करता है, यानी कि पीएच बूस्टर का काम करता है। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या होता है, यानी कि थर्ड क्या इसका पर्पस होगा इस हाइड्राजिन का, अगर आप डोज करते हैं तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉयलर ट्यूब के अंदर अगर हमारा ये ऑक्सीजन चल जाए तो वो क्या करता है, कोरोजन करता है। तो कोरोजन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe2O3, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हेमेटाइट बोलते हैं, हेमेटाइट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉयलर ट्यूब के अंदर एक हमारा मैग्नेटाइट का लेयर बना रहता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe3O4 होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट हमारा कभी भी ये मैग्नेटाइट का लेयर रहना चाहिए, अगर ये मैग्नेटाइट का लेयर ना रहे तो हमारा, यानी कि अगर हमारा ट्यूब के अंदर ये मैग्नेटाइट का लेयर का जो ब्रेक हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, तो हेमेटाइट का फॉर्मेशन होता है। और हेमेटाइट का फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्सेस ऑक्सीजन मौजूद है जो कि आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये हेमेटाइट का फॉर्मेशन हुआ। अगर आयरन का ऑक्सीडाइज, इसका मतलब कि आयरन का कोरोजन हो रहा है, तो इससे हमें कभी भी बचना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा हाइड्राजिन है कैसे इसको फॉर्मेशन होने से बचाता है, यानी कि कैसे हमारा हेमेटाइट अगर हो गया तो कैसे उसको प्रिवेंट करता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग अभी बात किए हेमेटाइट, तो हेमेटाइट का यहाँ पे हम लोग 6 टाइम ले लेते हैं, यानी कि 6 टाइम Fe2O3, ठीक है, हमारे पास है। और प्लस कर दीजिए, आपके पास क्या है, हाइड्राजिन है, यानी कि N2H4 है। तो इस कंडीशन में इसका रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे ये 4 टाइम मैग्नेटाइट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि 4 टाइम Fe3O4 बना देता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे जो भी रिमेनिंग हुआ, तो यहाँ पे 4 टाइम H4 है, यानी कि यहाँ पे 2H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो अब आप यहाँ पे अगर बैलेंस करेंगे केमिकली तो ये बैलेंस होगा, जैसे कि यहाँ पे 6 × 12, यानी कि 12 क्या है, हमारा आयरन है, तो यहाँ पे चढ़ते ही 12, यानी कि 12 हमारा आयरन मैच हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 36, 18 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए चर्चा होगा 16 और 2, यानी कि 2 × O हो गया इधर। तो इस तरह से हमारा दोनों बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे H4 है, तो यहाँ पे 2 × 4 हाइड्रोजन हो गया। इस तरह से इस रिएक्शन द्वारा हमें यही पता चल रहा है कि अगर हमारा कैसे भी ट्यूब के अंदर अगर कोरोजन हो जाए, यानी कि हेमेटाइट का फॉर्मेशन हो जाए, तो हम लोग इस हाइड्रोजन को डोज करके इसको मैग्नेटाइट में कन्वर्ट कर लिए। यानी कि अगर हमारा ट्यूब के अंदर कहीं से कोरोजन हो जाता है, यानी कि हमारा हेमेटाइट का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम लोग इजिली इस हाइड्रोजन को डोज करके मैग्नेटाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो हाइड्रोजन है, इसका एक और पर्पस हो गया कि ये कोरोजन इनहिबिटर का भी काम करता है। तो इस तरह से आप इसका थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तो कोरोजन इनहिबिटर। ठीक है, तो यहां पे ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन की वजह से भी जो कोरोजन फॉर्मेशन हुआ उसी की वजह से, या कैसे भी हमारा कहीं से कॉपर का कैरी ओवर हो जाए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कंडेंसर का जो ट्यूब है वो हमारा कॉपर एलॉय का बना रहता है, तो अगर हमारा कहीं से कॉपर का कैरी ओवर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा 2 टाइम कॉपर आ गया हमारा, और हम लोग अगर डोज कर रहे हैं N2H4, ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या करता है, तो यहाँ पे हमारा 2 टाइम कॉपर रहेगा, यानी कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, और ये हमारा N2 + 2 टाइम H2O का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि अगर हमारा कॉपर का कैरी ओवर हो जाए या हमारा कोरोजन हो जाए उसको भी ये क्या करता है, इनहिबिटर करता है, यानी कि कोरोजन को प्रिवेंट कर देता है। वैसे इस हाइड्रोजन का मेन पर्पस क्या हो गया, तो सबसे पहला हमारा हो गया ऑक्सीजन
एक्सक्वेंजर का काम किया, दूसरा हमारा पीएच बूस्टर का काम किया और थर्ड हमारा कोरोजन इनहिबिटर का काम किया। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।